Start with the name of Allah, who is most beneficent and merciful. My name is Sanjay Kumar, lecturer in zoology, Government Boys Degree College, Sakhar. Today we are going to study the most important topic of gases exchange, that is respiratory system of birds. So respiratory system of birds. Birds respire by lungs. Birds गैसेज एक्सचेंज करते हैं लंग्स की तरह जैसे हम करते हैं, लेकिन इनमें फर्क ये है कि इनके अंदर डायाफ्राग्राम भी नहीं होता है और इनके अंदर एयर सैक्स भी होते हैं। तो इनके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के? एक लेरिंग्स है और दूसरा सेरिंग्स है, तीसरा लंग्स है और उनके साथ है एयर सैक्स जो उनको हेल्प करती है गैसेज एक्सचेंज में। कैसे, वी विल स्टडी इन लेटर स्लाइड्स। So first of all, introduction. The lungs of birds are internally divided into numerous thin membranous channels called parabronchi. अब जो birds की lungs हैं, उनके अंदर respiratory surface वो parabronchi है, alveoli नहीं है। ह्यूमन में alveoli होते हैं, birds के अंदर parabronchi है। parabronchi क्या है? एक बहुत ही बारीक ट्यूब्स होती हैं जो कि लंग्स के अंदर होती है। जैसे इस एनिमेटेड फिगर में दिखाया गया है कि रेड एरो दिखा रहा है कि एयर कैसे मूव कर रही है, तो वहां से वो एयर मूव करेंगी। इसके दरमियान में ऑक्सीजन की गैसेज एक्सचेंज होगी इन दीज ट्यूब्स में, जिनका नाम है पैराब्रोंकी। दीज चैनल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एयर इन वन वे डायरेक्शन। अब ये कैसे काम कर रहा है? एयर जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। दिस एयर सैक्स वर्क इज बिलो दैट इंश्योर द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एयर और कंप्लीट वेंटिलेशन। अब बर्ड्स के अंदर वेंटिलेशन कंप्लीट होती है। ये कभी कभार एमसीक्यूज भी पूछा जाता है कि कंप्लीट वेंटिलेशन किसमें है, तो वो बर्ड्स में, जैसे इस तस्वीर में दिखाया है एयर बिलो। अब ये है कि इंट्रेंस ऑफ एयर एक जगह से है और फ्लो ऑफ एयर दूसरी जगह पे इन वन डायरेक्शन। हाउ अ बर्ड ब्रीथ? बर्ड डू नॉट हैव अ डायफ्राग्राम एज वी हैव। एयर इज मूव इनटू एंड आउट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम थ्रू प्रेशर चेंजेस इन द एयर सैक। अब जैसे डायफ्राग्राम इनके अंदर नहीं है, तो एयर कैसे अंदर और बाहर जा रही है? ड्यू टू द प्रेशर चेंजेस इन द एयर सैक। अब प्रेशर चेंजेस कैसे आएगा एयर सैक्स में? ड्यूरिंग इंस्पायरेशन इनटू द एयर सैक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट एंड एब्डोमिनल कैविटी। इंस्पायरेशन के दौरान एयर सैक्स के अंदर क्या एक्सपेंशन होगी, बढ़ावा होगा, और एब्डोमिनल कैविटी भी वो कंट्रैक्ट होगी। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन जब एयर मूव आउट होगी, उस दरमियान क्या होगा? इज कॉज्ड बाय कंप्रेशन ऑफ एयर सैक्स। एयर सैक्स जो है वो कंप्रेस होगी, छोटे होंगे। By skeleton muscle, this causes the sternum to be pushed outward. Bird actually uses two rounds of inhalation or exhalation to move a volume of air through its respiratory surface. Birds दो ब्रीथ लेंगे। पहली ब्रीथ में क्या हो रहा है कि एयर नोस्ट्रल के जरिए एयर पोस्टीरियर जो एयर सैक्स है वहां पर आ रही है और पोस्टीरियर से वो एयर लंग्स में आ रही है। और जब ये सेकंड ब्रीथ लेंगे तो पहली वाली जो ब्रीथ है लंग्स से वो इंटीरियर में चली जाएगी ये एयर, और वो ओल्ड एयर फ्रॉम इंटीरियर इज मूव आउट थ्रू ट्रेकिया टू द नोस्ट्रल्स, सेम एयर इट इंटर्स। सो हाउ इट वर्क्स एक्चुअली? वेंटिलेशन और ब्रीदिंग इन बर्ड्स। वेंटिलेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ एयर बिटवीन लंग्स एंड एयर, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, what does mean by inhalation means taking oxygen from air, and exhalation means release of carbon dioxide to the air. First, inhalation. Air move into the posterior abdominal air sacs. अब क्या है, पहले inhalation जो है first breath से क्या हो रहा है, air nostril से होती हुई ट्रेकिया से होती हुई posterior air sac में जाएगी। वहां पर जब posterior air sac contract होगा, जब फर्स्ट एक्सहेलेशन में क्या हो रहा है, पोस्टीरियर एयर सैक जब कंट्रैक्ट होगा, फोर्सेस एयर इनटू द लंग्स। अब वो क्या करेंगी, फोर्स करेंगी। किसको करेंगी? पोस्टीरियर एयर सैक को, और वहां से एयर मूव करके लंग्स की दरमियान में जाएंगे। Then in the second inhalation, the air passes from lung into the interior air sacs. New air comes into the posterior air sac. Second exhalation causes interior air sacs contract and air moves out of the body. Posterior air sacs contract and a new volume of air move into the lungs. So in this way, always lungs receive fresh air. Due to this arrangement, birds have a near continuous movement of oxygen-rich air over the respiratory surface of lungs, and this provides continuous oxygen to the body. Oxygen produces continuous energy, and hence the birds are able to fly easily for a longer period of time. So, in this animated figure, in breath one, what happens? The air comes through the trachea and goes into the posterior sac. As in first exhalation, the primary first inhale air goes from posterior sac to the lungs by contraction of air sacs. In the second inhalation, the first breath which is come into the interior air sacs now move out as in the animated figure. So, double breath birds. This is the figure explanation. First breath come into the posterior and first exhalation moves from posterior to the lungs. Second inhalation comes into the posterior air sacs and second exhalation pushes the first air from interior to move out. Thank you. If you have any comments, please comment me. I will answer you. Thank you.